हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमन और मैं आज आई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके, जो कि कुकिंग वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्विक इजी टेस्टी पोटैटो स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए मैश और ग्रेटेड पोटैटोस, ठीक है, जो आपको चाहिए 5 to 6। उसके बाद आपको चॉप की हुई कैप्सिकम चाहिए, यानी कि शिमला मिर्च चाहिए 1 से 1.5 अदद, 1 चॉप अनियन चाहिए, और ग्रीन चिली आप 2 से 3 अदद ले लें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पोटैटोस में हमने शिमला मिर्च जो चॉप की हुई है, ठीक है, अनियन हो गया, और इसके अलावा ग्रीन चिली होगी, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इनके अलावा हम क्या ऐड करेंगे, सूखे धनिए का पाउडर ऐड करेंगे, क्वांटिटी मैंने सामने मेंशन कर दी है, ठीक है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, चिली सॉस, मैदा, व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा, कोरिएंडर लीव्स, धनिए के जो पत्ते हैं वो ऐड करेंगे, चिली पाउडर ऐड करेंगे और केचप ऐड करेंगे। क्वांटिटी आपको मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पोटैटोज़ थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो आप उसमें बेसन है उसे भून के थोड़ा सा वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसे कच्चा कच्चा फील नहीं होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में हम राउंड शेप टिक्की बनाएंगे, उसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट्स लगेंगे फ्राई होते हुए। उसके बाद आप ये पोटैटो स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ और केचप के साथ भी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।